देखिए अभी हमारे साथ दो जवान खड़ा है, एयरफोर्स जवान नहीं सीसीएल जवान है। हमारे साथ वैभव राय जी और सुधीर सिंह जी, कैसे हैं आप दोनों? बस बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग सर, को मेरा नमस्कार प्रणाम। ये सुबह सुबह एयरपोर्ट पे आप लोग कर क्या रहे हैं? सुबह सुबह एयरपोर्ट पे आज हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं मुंबई टू जोधपुर के लिए, और हम लोग का सीसीएल का मैच है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और हम लोग का कल मैच है 2:30 बजे से भोजपुरी दबंग्स वर्सेस तेलुगु। तेलुगु क्या लगता है, तीन मैच जीत चुके हैं आप दोनों, चौथे मैच में क्या कुछ आप लोगों को उम्मीद लग रहा है? अफकोर्स तीन मैच तो हम लोग जीते हैं और डेफिनेटली चौथा मैच भी जीतेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन चौथा मैच मारने के बाद इंडस्ट्री में पूरा धमाल हो जाएगा। आप लोग कई साल से सेलिब्रिटी क्रिकेट में जुड़े हुए हैं, मैच में इस बार कितना इंटरेस्टेड है मैच? ऑलरेडी हम लोगों को 6 साल हो गया सेलिब्रिटी क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन ये मेरा पहली बार है और मैं फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटी क्रिकेट खेल रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार आया और पहली बार में हम लोगों ने तीनों मैचेस निकाले और चौथा मैच भी निकालेंगे, और भोजपुरी दबंग को इस बार सीसीएल की ट्रॉफी भी 110% ही नहीं, सीसीएल की ट्रॉफी भोजपुरी दबंग की है इस बार। जैसा कि मनोज तिवारी अभी कप्तान है, लास्ट टाइम मैंने देखा कि कोलकाता के जो कैप्टन हैं जसुदा को उन्होंने आउट कर दिया, जसुदा का चेहरा उतर गया था। आप लोग मनोज जी पे कितना भरोसा करते हैं? 100% में 200%। मैं हूँ इधर ही आ रहा हूँ। मनोज भैया बैट्समैन के साथ साथ ऑलराउंडर हैं, वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं ओपनिंग, और इन स्विंगर बॉलर हैं। उनकी बॉल को समझ पाना मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में कोई एक जादू की फिक्र चलाते हैं, कब अगला इंसान बोल्ड हो जाए वो पता नहीं। दिनेश लाल यादव जी को भी मैंने देखा लास्ट टाइम, चोटें आई थी हाथ में, उसके बाद भी उन्होंने मैच जीता, कितने बधाई के पात्र हैं? दिनेश भैया हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के टीम की जॉन्टी रोड्स हैं, हमारे जॉन्टी रोड्स हैं, उनको मैं जॉन्टी रोड्स बोलूँगा, क्योंकि एज अ